The Pyramid Adventure. मिकी। इतने महान खोजकर्ता और वो पिरामिड में जाकर गायब हो गए। और उनका मुखिया अपना पुराना टीचर था सर। वो मेरे मनपसंद टीचरों में से एक थे। काश मैं उन्हें बचा पाता। आपको उनकी फिक्र हो रही है ना? फिक्र मत कीजिए सर, मैं आपके टीचर को ढूंढने के लिए परमैन को भेज दूंगा। वो आपके टीचर को जरूर ढूंढेगा। परमैन? हाँ हाँ, मैं जो भी कहूँगा परमैन वो जरूर करेगा। हम बस पिरामिड्स तक पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों। अखबार में लिखा था कि आखिरी संदेश में उन्होंने बताया था कि वो एक नए पिरामिड को ढूंढ चुके हैं। हम भी उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। मुझे हमारी काबिलियत पे पूरा यकीन है। ओहो, कितनी गर्मी है यहाँ पर। हाँ, गर्मी तो होगी ही, ये रेगिस्तान जो है। पता नहीं मेरा रोबोट घर में बैठकर कितने मजे कर रहा होगा। चलो अब खाते हैं। क्या खाते हैं? गर्मी के मौसम में एसी और आइसक्रीम मिल जाए तो क्या बात है। और हमें दोनों का मजा उठा रहे हैं। पता नहीं बेचारा परमैन वहाँ पर क्या कर रहा होगा। उसकी फिक्र मत करो, परमैन बिल्कुल ठीक होगा। कितनी मजेदार है। पता नहीं अभी कितनी दूर और चलना होगा। क्या दिखा बूबी? कोई खास चीज है क्या? ये तो एक बस्ती है। शायद वहाँ नहाने के लिए शावर मिल जाए। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये क्या, कुएं में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। बचाओ परमैन, परमैन, परमैन! अरे वो तो तुम्हारे टीचर है। हमारे हैं। प्लीज मुझे बचा लो परमैन। अपनी बकवास बंद करो। पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ चले आते हैं और हमारे देवता गुस्सा हो जाते हैं। एक मिनट, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जानते भी हो मैं परमैन हूँ, दुनिया भर के बच्चों का सबसे बड़ा हीरो। लेकिन मैंने तो सिर्फ सुपरमैन के बारे में सुना है। पिछले महीने 3 अजनबी लोग यहाँ आए थे। हमारे मना करने के बावजूद वो पिरामिड की खोज में आगे बढ़ते गए। जरूर ये वही लोग होंगे। और तभी से बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ी और सब जगह सूखा पड़ गया है। देवता हमसे नाराज है। क्या कर रहे हैं? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अब आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी क्योंकि मैं बारिश बुलाने वाला हूँ। आओ आओ बादल आओ, बारिश को तुम लेकर आओ। आओ बादल आओ, बारिश को तुम लेकर आओ। तुम तो जादूगर हो पायन, सचमुच मजा आ गया। तुमने कमाल किया। अरे मैंने तो बस बादलों का रुख पहचान कर ऐसा कह दिया था, समझी तुम? तब तो तुम मौसम विशेषज्ञ भी हो। लेकिन अब ये सब बातें छोड़ो, अब हमें अपना काम शुरू करना होगा परमैन। मैं जानता हूँ। अच्छा सुनिए, प्लीज हमें उस नए पिरामिड के पास ले चलिए ना, हमें किसी को ढूंढना है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो हमारा कमाल देख ही लिया। क्या वो यहाँ मिट्टी के नीचे दबा है? हर 50 साल बाद यहाँ से मिट्टी उड़ती है और वो पिरामिड दिखाई देता है, और इसलिए उसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। और ये 50वां साल ही चल रहा है। यानी वो खोजकर्ता इसी पिरामिड में गए होंगे। और फिर रेत ने उस पिरामिड को ढक दिया होगा। तब तो खतरा है, अब हमें जल्दी ढूंढना होगा। लेकिन हम क्या करेंगे परमैन? वेनिला आइसक्रीम, ये तो मेरी मनपसंद है। क्या तुम सारी की सारी खा जाओगे? बीमार पड़ जाओगे। गर्मी है तो क्या फिक्र है, मुझे खाने दो। ओहो, ये रेत कितनी गर्म है, हाथ जल गए। चलो अब सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। ओ,
वाह, ये तो बस थोड़ा सा और बाकी है। ओ, क्या बात है, तो ये है नया पिरामिड। अरे कैसे खुलेगा? जासिम से फायदा नहीं, ये बहुत भारी है। नहीं, कोशिश करते रहो, उम्मीद के दामन मत छोड़ो। लेकिन प्रोफेसर, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा है। एक ही चीज है हमारे पास, और वो है ये। क्या क्या? आगे तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, रास्ता तो नहीं है, मगर ढूंढना पड़ेगा। बड़े अजीब बात है, सिर्फ इतनी सी ही जगह। ठीक है, अब देखो मेरा कमाल। चलो पायल के पीछे। अरे वाह, क्या बात है। अरे ये तो वही है। प्रोफेसर, हम आपको बचाने आए हैं। चुप रहो, आ गए हमारा हिस्सा बटाने। हम इस आखिरी बिस्कुट को पाने के लिए लॉटरी से फैसला कर रहे थे। क्या किया? आपके टीचर हैं। हमें माफ कर देना और जान बचाने के लिए आप सबका शुक्रिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मित्सुओ के टीचर के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा हुआ ऊपर वाले ने तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनाया। जानते हैं प्रोफेसर, मेरे पास वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। मैं तो यही इनके पास हूँ। तेज हवाएं चल रही है। वैसे तो ये अच्छा ही हुआ, हमारे वापस आने तक यहाँ कोई भी नहीं घुस पाएगा। अब ये पायान कहाँ रह गया? अब पायान की फिक्र मत करो, उसे वहाँ बारिश बुलाने का काम मिल गया है। अच्छा, बादल आओ, बारिश को तुम लेकर आओ, आओ आओ। मैं आ गया। अरे मेरे पीछे बहुत मजे की। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? लगता है आइसक्रीम कुछ ज्यादा खा ली, अब पेट दुख रहा है। अच्छा ही हुआ, चलो ठीक है, आज के लिए तुम्हारा काम खत्म हुआ। मम्मी, खाने के लिए कोई ठंडी चीज मिलेगी क्या? वाह तरबूज। मित्सुओ, ये तुम क्या कर रहे हो? अब तुम कितना खाओगे? क्या आइसक्रीम खा खा कर तुम्हारा पेट दुखने लगा था? अब तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा मित्सुओ, समझे? लेकिन मम्मी, इतनी गर्मी में काम करने के बावजूद अब ये भी सहना होगा। उस रोबोट के बच्चे की तो खैर नहीं, हमेशा मुझे फंसा देता है। पर मैं